लेकिन चूँकि माशरे के अंदर एक चीज़ कायम हो गई कि बेटा अफजल है बेटा अफजल है लिहाजा न चाहते हुए भी ये ना इंसाफी हो जाती है कि बेटी को कमतर समझा जाता है यहाँ तक कि बेटियाँ खुद भी अपने आप को कमतर समझने लगती हैं खुद भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं ये बचपन में उन पर ओता है और अक्सर होता है जबकि पैगम्बर अक्रम वाजे तौर पर अरसाद फरमाते हुए नजर आते हैं पैगम्बर की बज़म सजी हुई है और बज्म पैगम्बर में पैगम्बर की मजलिस से इल चल रही है पैगम्बर का दर्श जारी है ऐसे में एक बच्चा आता है अपने बाप की तरफ उसका बाप कहीं इस मजमे में बैठा हुआ है वो बच्चा आता है और आके अपने बाप के को ढूंढता हुआ मजमे में लोगों से गुजरता हुआ बाप तक पहुँचता है बाप उसके सर पे शफकत का हाथ रखता है और उसके बाद उसे अपने दाएं दानों पे बिठा लेता है अभी कुछ देर गुजरती है उसके बाद उसकी बच्ची बाप को तलाश करती हुई आती है वो भी बाप तक पहुंच जाती है उसके सर पे भी बाप हाथ रखता है और उसे अपने पहलू में बिठा लेता है पैगम्बर की निगाहें यह मंजर देख रही हैं बस एक मरतबा नागवारी हुई मिजाज पैगम्बर पर पे गर गुजरा पैगम्बर अक्रम ने पुकार के कहा क्या ये बेहतर न था कि जिस तरह तूने अपने बेटे को अपने जानू पे बिठाया था उसी तरह बेटी को भी दूसरे जानू पे बिठा लेता उसने कहा रसुल्ला मुझसे गलती हो गई और फौरन बेटी को अपने दूसरे जानू पे बिठाया पैगंबर के लबों पे मुस्कुराहट आ गई और कहा हाँ अब तूने इंसाफ किया अब तूने इंसाफ किया तो यह है पहला मरहला कि जहां ना इंसाफी हो जाती है इसके बाद अब जब दूसरा मरहला आता है जवानी के दहलीज उस पर इन्होंने कदम रखा तो अब दूसरी नाइंसाफ़ी फिर होती है कि इनकी शादी के मौके पर इनकी राय नहीं ली जाती मौलाए कायनात का रिश्ता आया है मौल कायनात खासगारी के लिए आए हैं बावजूद इसके कि पैगम्बर अक्रम जानते हैं कि अल्लाह का फैसला क्या है लेकिन उम्मत को पैगाम देना था कि बेटियों का हक पहचान लो लिहाजा आके जनाब फ़ातिमा से बयान करते हैं कि अली का रिश्ता आया है तुम्हारी क्या राय है यानी यह बताना था ये पैगाम था कि कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसकी कोई राय ना हो इनसे भी राय लो और तीसरा जुल्म फिर भी बाप के दिल में बेटी के लिए नरम गोशा होता है लेकिन तीसरा जुल्म भाइयों की तरफ से होता है और वो जुल्म क्या विरासत में इसके हिस्से को खा जाना इसके हिस्से इसके तरके में इसका हिस्सा अदा ना करना ये ऐसा ऐसा बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आप क्या करें जब उसकी शादी हुई थी तो हमने जहेज में बहुत खर्च किया था जहेज में खर्च करना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी इस्लाम ने तो शादी को बहुत आसान बनाया है शादी सादगी के साथ है शादी में जहेज का जो तस्वर है वो तस्वर आज के मौजूदा मुवजा जो रसूम रिवाज है उसके बिल्कुल बरक्स है ये तो गैर मुस्लिमों का समाज था कि जहाँ बेटी को तरके में चूंकि कोई हिस्सा मिलता नहीं था लिहाजा कहा कि दान दहेज जो कुछ देना है इसी वक्त दान दहेज दहेज के नाम पर जो कुछ देना है वो दे दो बाद में तो इसका कोई इस सरोकार है नहीं इस घर से फिर तो इसका कोई दावा है नहीं लिहाजा इसी वक्त दे दो न जाने कहाँ से ये चीज़ हमारे घरों में आ गई लिहाजा भाई ये जुल्म कर रहे हैं और बराबर कर रहे हैं और बहनों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है सीरत जनाब मासूम कुम का पैगाम यही है कि भाई और बहन के रिश्ते को कैसे मजबूत किया जाए क्या अंदाज हो क्या तरीक़ा हो किस तरह दोनों अपने अपने हुकूक को अदा करें हाँ कुछ बहनें भी आपको इस अंदाज की नज़र आएंगी कि जो भूल जाती हैं जिनकी नज़र में करबला की बहनें नहीं रहती जिनकी नज़र में जनाब अब्बास और जनाब ज़ैनब वम में कोजूम नहीं रहती जो जो इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब के रिश्ते तक को भूल जाती हैं और जिनका आलम यह होता है कि सिर्फ़ अपनी अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए भाई और भावज में फूट डालती हुई नजर आती हैं दोनों के दरमियान ग़लत फ़हमियाँ पैदा कराती हुई लड़ाई कराती हुई नज़र आती हैं उन बहनों को भी गौर करना चाहिए लेकिन अक्सर जो जुल्म होता है वो भाइयों की तरफ से होता है जबकि पैगम्बर का आलम क्या है पैगम्बर अक्रम का आलम बेटी के लिए बचपन में पैगाम सुना दिया जिसने बेटी का दिल खुश किया जिसने बेटी का दिल खुश किया उसने एक गुलाम को आज़ाद किया इमाम जाफर सदक स इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बाजार गया और बाजार से तोहफे अपने घर वालों के लिए लेके आया बाजार से अपने घर वालों के लिए कोई चीज लेके आया तो वो तोहफे जो इसने घर वालों के लिए लिए गोया इसने घर वालों को तोहफे नहीं दिए बल्कि मोहताजों को इसने सदका दिया वो सवाब है जो इसको हासिल होगा इंसान का दिल चाहता है दिल झुकता है अपनों की तरफ लिहाजा दिल चाहता है कि अगर कुछ देना है तो अपने भाई को दिया जाए अपनी बहन को दिया जाए अपनी फूफी को दिया जाए अपनी खाला को दिया जाए अपने मामू को दिया जाए मगर फिर सोचता है कि मुझे देना है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए लिहाजा कभी कभी यह ख्याल आता है पैदा होता है ये ख्याल कि मैं दूंगा ये मुझे देना है लेकिन ये तो मैं अगर अपने बहन भाई को दे दूंगा तो ये तो मैंने अपने दिल की बात कर ली तो क्या मुझे सवाब मिलेगा मगर इस्लाम दीन फितरत है कुदरत ने पुकार के कहा तुम्हें दुगना सवाब मिलेगा दोहरा सवाब मिलेगा अगर देना है तो पहले मुस्तक तुम्हारे अपने घर वाले हैं पहले इन्हें दो इन्हें दोगे इनकी तरफ नजर करम करोगे इनका के साथ हौसन सुलूक करोगे तो तुम्हें कई गुना सवाब मिलेगा दूसरों से ज़्यादा दूसरों के ऊपर मेहरबानी करने से ज़्यादा हाँ उनका भी ख्याल करना है इसलिए कि हर एक के हक़ हाँ हैं और मुशर साजी किरदार साजी माशरे के अंदर तमाम लोगों के हकूक़ को अदा करना इंसानी और कुरानी मुआरा बनाना यह हर मोमिन और हर मोमिना का फर्ज है लिहाजा सबको इसके लिए कोशिश करनी है